नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। सुल्तानपुर हथरस कांड पर शनिवार को भी लोगों का आक्रोश उमड़ा। बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले आधा दर्जन संगठन उतरे सड़क पर। तिकुनिया पार्क के सभा प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों की फांसी की उठाई आवाज। सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। एक दिवस विशाल प्रदेश व्यापी धरना संचालन कर रहे महेश बिरुद्र और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद दानिश। क्राइम ब्यूरो यूपी लाइव 100 न्यूज सुल्तानपुर। आज की डेट में आप देख रहे हैं, जब से सरकार आई है भाजपा की, तब से दलितों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, एससी ST माइनॉरिटी के ऊपर जो तमाम तरह के नए नए धाराएं लगाकर उनको जेल में पूछा जा रहा है और हमारी बच्चियों के साथ रैप जैसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और आगामी आने वाले हम अक्टूबर को भी राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर 15 अक्टूबर को भी राष्ट्रव्यापी लोग रैली करेंगे और 22 अक्टूबर को प्रदेश बंद करेंगे और 30 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन करने के हम लोग 22 अक्टूबर को आप लोग प्रदेश किस विषय में बंद करेंगे? हम लोग इसी विषय पर बंद करेंगे कि क्यों हमारे सरकार जो हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही, जो माइनॉरिटी है, जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, उनके तमाम लोगों के साथ तमाम तरह के अपराध किए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन सारे अपराधों पर जो सरकारें अंकुश नहीं लगा रही हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात करें। क्या लगता है बंद करने से अपराध खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और सरकार सुनने के लिए बात होगी। अभी आपने देखा होगा हमारे लोगों के धरना प्रदर्शन करने के परिप्रेक्ष्य में ही सरकार ने एसपी को और डीएम को और वहां के एसआई को सस्पेंड कर दिया। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 25 लाख का मुआवजा मिल गया है, तो क्या इससे संतुष्ट हैं आप? थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अभी एप्पल का एक मैनेजर था, उसकी हत्या हुई थी लखनऊ में, तो उसके परिवार को, उसकी महिला को 1 करोड़ का पैकेज दिया गया, उसको सरकारी नौकरी दिया गया, आवासीय आवंटन किया गया और उसको बहुत सारे धनधान से परिपूर्ण किया गया। जो जाति मानसिकता योगी सरकार कर रही है उसके खिलाफ हम लोग 85% के लोग हैं। अगर 85% को 15% का भी हिस्सा नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम हमेशा बाध्य रहेंगे। जब तक 85% को 85 का हक नहीं मिल जाता है तब तक हम 15 के खिलाफ हमेशा आंदोलन करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक खास तबका हथियार रखने की, महिलाओं को हथियार रखने की मांग कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं जो महिलाओं को हथियार रखने का दे रहा है, आपने देखा होगा, मैं धर्म पर कुठाराघात नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको इतना जरूर बता देना चाहता हूँ, जितनी भी देवियाँ देश में निर्मित हुई हैं सभी देवियों के हाथ में हथियार है। ऐसा वो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस का एजेंडा ये कहता है कि जो भी महिला है उसके अंदर से अगर करूड़ा ख़त्म करना है वो दिखाने को करूड़ा मई दिखाता महिलाओं को और देने में उसके हाथ में हथियार दे करके। मेरा नाम मौलाना रफ्तूल्ला है। हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज जो है पूरे प्रदेश के 75 जिलों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और सामाजिक संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा, तो इन्हीं दोनों के बैनर तले जो हाथरस में मनीषा मासूम बच्ची के साथ जो रेप हुआ है जो है, उसके बाद जो संगठन प्रशासन ने जो अलग से जुल्म किया है, इसके अलावा बलरामपुर में घटना हुई, अभी जो है कल की घटना है यहाँ भदोही में हो गई है, बुलंदशहर में हुई, आजमगढ़ में हुई, आए दिन एक के बाद दूसरी घटनाएँ हो रही हैं और प्रशासन के तरफ का जो रवैया आ रहा है वो हमें क्या है सोचना है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह से कानून लाएं जो प्रशासनिक दबाव बन रहा है, उत्पीड़न हो रहा है महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, इस बारे में आप मुख्यमंत्री साहब से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहेंगे कि अकेले उत्तर प्रदेश दैनिक भारत में जो है इस मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रदेश हैं और हर जगह में हर जगह प्रदेश गवर्नमेंट है लेकिन और जगह इतनी सूरत हाल नहीं पैदा हुई, और जगह इतना जुल्म बच्चियों पर, इतना जुल्म कमजोरों
पर गरीबों पर नहीं हो रहा। हम ये सोचते हैं ऐसा कानून व्यवस्था लाएं इस तरीके पर जो है इस प्रदेश को चलाएं कि किसी पर जुल्म ना हो। और दूसरी बात ये कहेंगे कि जो हालात चल रहे हैं और जो प्रशासन की तरफ से हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के ऊपर से बजाय इसके कि उसको दबाव डाला जाए तो काम करे, ऊपर से उसकी सतर्कता की जा रही है कि आप सबूत को मिटाओ। लेकिन क्या ये अफसोसनाक है? ये एक लोकतंत्र है, देश के अंदर लोकतंत्र है, उसी देश का ये राज्य है। यहाँ मनमानी और लोकतंत्र ऊपर उठ करके देश को ये कानून नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि जो है मुख्यमंत्री जी जैसे सारे प्रदेश में इंसाफ की जो है इंसाफ के साथ संविधान के साथ ये देश चल रहा है, कानून लागू होना चाहिए।